तो गाइस मैं जा रहा हूँ साइकिल चलाने, तो आई नो कि मैं रोजेस से हूँ एंड देन मैं चलाने जा रहा हूँ, तो लाइक यहाँ पे 4:15 हो रहा है, तो एक डेढ़ घंटे की बात है, ज़्यादा टाइम भी नहीं इतना लगेगा एंड कितनी प्यास लग जाएगी। तो हुआ क्या कुछ ऐसा कि जब मैं उस दिन साइकिल चला रहा था शाम को, तो जब मैं घर गया तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही थी एंड पूरे दिन मतलब मुझे सिर्फ थकान ही महसूस हुई थी। और कल मैंने सोचा एक बार रोजे से खोलने से थोड़ी देर पहले मैं साइकिल चलाता हूँ, देन उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी एनर्जी थी मेरी बॉडी में पूरे दिन, मतलब जब मैंने रोज़ा इफ्तार कर लिया उसके बाद भी मतलब मुझे थकान नहीं फील हुई। तो मैंने सोचा है कि अब मैं साइकिल चलाऊंगा, बट मैं रोज़ा खोलने से लाइक एक डेढ़ घंटे पहले मैं साइकिल चला लिया करूंगा थोड़ा, देन आगे फ्रेश हो के नमाज़ पढ़ के देन रोज़ा खोला करेंगे। तो ये मैंने सोचा है। आपको टूर करा दें 2 मिनट का, देखिए लखनऊ का एक अच्छा होटल है, ये रेनेसां है, शायद 5 स्टार है आई गेस या 4 स्टार है पता नहीं, और इसी के जस्ट बगल में है ताज होटल, ये लखनऊ का ताज है, थोड़ा आगे है बस पहुँचने वाले हैं। तो ये देखिए गाइस ये लखनऊ का ताज है, ये ताज होटल है, इसी के सामने से हम जा रहे हैं। बहुत तेज़ी में थे भैया यहाँ पे आजकल सब जल्दी में ही है, पता नहीं क्या है यार, देंगे यहाँ पे। तो ये हम जा रहे सीधा, ये देखिए गाइस मैं अभी जा रहा था तो मैंने अभी रियलाइज़ किया कि ये देखिए लखनऊ का चिकन कारी आर्ट वर्क है, ये देखिए अगर आप देखेंगे। आई जस्ट रियलाइज़ कि भाई ये तो ये है, मतलब मैं जा रहा था बट मैंने कभी इतना गौर नहीं किया, और ये तो आर्ट वर्क है लखनऊ का। एंड ये देखिए इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनी हुई हैं यहाँ पे, ड्राइंग्स या पेंटिंग्स जो भी कह लिए। वाओ, अलग अलग सिटीज के अलग अलग डांस जो उनके लोकल हैं, मतलब आप देख रहे होंगे, मतलब ये ऑल ओवर इंडिया का बना हुआ है यहाँ पे जो भी है। गुजरात में गरबा करते हैं, गरबा से तारक मेहता की याद आ गई, असम में सत्रिया, वाह कथक हमारा यूपी का है, हर जगह का दिया हुआ है, देख रहे हैं आप। तो गाइस हम लोग साइकिलिंग करके आ चुके हैं और थोड़ा सा लेट हो गया, तो बस हम मस्जिद निकल रहे हैं नमाज़ पढ़ने, क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया है तो थोड़ा जल्दी में, तो आज हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं। तो गाइस नमाज़ पढ़ के हम लोग आ चुके थे, अब अपनी हम इफ्तारी खाने जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज है क्या क्या। ये देखिए गाइस ये तो मस्जिद में मिली थी, फ्रूट चाट है, ये हलवा है, इसमें क्या है, शाही पनीर, इसमें क्या है, चने, रोटी, और ये जूस है जो फ्रीज हो गया है। तारी हमारी हो चुकी है, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।